हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 से 30 जून 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जो 16 से 30 जून के बीच क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, वीडियो को हिंदी में बनाया गया है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, स्टडी यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में संत तुकाराम मंदिर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका लोकार्पण पुणे में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संत तुकाराम मंदिर का लोकार्पण पुणे में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रंजना प्रकाश देसाई को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों, इन्हें भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें भारत का 37वां स्थान है। तो ऑप्शन सी 37वां इसका सही आंसर होगा। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत 37वें स्थान पर है। वहीं बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर डेनमार्क है। दोस्तों, भारत पहले 43वें स्थान पर था, लेकिन अब 2022 में जो रैंकिंग आई उसमें 37वें स्थान पर है। 6 स्थान का इजाफा भारत ने किया है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडेक्स जारी की जाती है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूपीआई और रुपे कार्ड का उपयोग शुरू किया है? तो दोस्तों, ये देश है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा यूपीआई और भारत के रुपे कार्ड का उपयोग शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, पहला यूरोपीय देश है जिसने यूपीआई और रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया है। पहला देश जिसने यूपीआई और रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया था वह था भूटान, दूसरा नेपाल, और ये फ्रांस जो है वह पहला यूरोपियाई देश है। दोस्तों, बात आई है फ्रांस की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है और मुद्रा यहाँ की यूरो सीएफसी फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे का सबसे बड़ा स्कोर हाल ही में किस देश के द्वारा बनाया गया है? यह है इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है। ऑप्शन डी इंग्लैंड इसका सही आंसर होगा। 498 रन पर 4 विकेट पर इंग्लैंड ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है वनडे का। ये दोस्तों स्कोर इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है। दो बात आई है इंग्लैंड की, आप देख पा रहे हो लोकेशन है यूके की। यूके की जो गान है वह गॉड सेव द क्वीन है। राजधानी लंदन है। सम्राट या मोनार्च यहाँ की एलिजाबेथ द्वितीय है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और पाउंड स्टर्लिंग है। दोस्तों, आपको बता दें बोरिस जॉनसन ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। वर्तमान में यानी प्रेजेंट में यूके का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है, वहां पर चुनाव चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के कोरतारने खेल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कोरतारने खेल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने 86.89 मीटर भाला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, शिमला में उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड साहित्य अकेडमी के द्वारा कराया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है जो शिमला में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य योग आयोग बनाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। एमपी में योग आयोग बनाया जाएगा। दोस्तों, बात आई है एमपी की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे एमपी की है। एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 में किया था। राजधानी भोपाल है। राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो भाजपा से। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। वहीं बात करें पुरस्कारों की, तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ काना केसरी, माधव पन्ना पेज, सतपुड़ा वन विहार ये प्रमुख उद्यान है मध्य प्रदेश के। जलप्रपात चचाई, बहुडी, धुआंधार, कपिलधारा, दूधधारा प्रमुख जलप्रपात हैं। वहीं बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर, वारणा ये प्रमुख बांध हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका अध्यक्ष लीजा स्टालेकर को बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये आईसीसी नहीं है, आपको पहले बता दें ये आईसीसी नहीं है, ये अलग फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है जिसका हाल ही में अध्यक्ष लीजा स्टालेकर को बनाया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की
क्रिकेटर है और ये पहली अध्यक्ष है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय रक्षा अभ्यास का आयोजन हाल ही में किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मंगोलिया। मंगोलिया में बहुउद्देशीय शांति रक्षा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल भारत सहित 17 देश शामिल हो रहे हैं। एक्स खान क्वेस्ट 2022 इसका नाम दिया गया है, एक्स खान क्वेस्ट 2022। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका में दुनिया में सबसे बड़े समुद्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों यह इसका 28वां संस्करण है। इसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक। नाम एक बार फिर आपको बता दें, इसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसकी शुरुआत 1971 में की गई थी। पहली बार भारत 2014 में इस युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ था। बात आई यूएसए की, तो आप लोकेशन देख पा रहे होंगे यूएसए की है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर है। बात करें यहाँ का डेजर्ट की, तो ग्रेट वेसन डेजर्ट, सोलोमन डेजर्ट और मोजेब डेजर्ट यहाँ के प्रमुख डेजर्ट हैं। सुपियर, हुरन, मिशिगन, ग्रेट सॉल्ट यहाँ का प्रमुख लेक या झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार को हाल ही में प्रधानमंत्री का नया प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पहला योग दिवस 2014 में मनाया गया था। इसका यह 8वां संस्करण है। इस बार जो थीम रखी गई है वह मानवता के लिए योग, ये रखी गई है। और यूएन के द्वारा 2014 में इसे घोषित किया गया था विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद एयरपोर्ट को चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमाद एयरपोर्ट दोस्तों कतर देश का एयरपोर्ट है, जिसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिनकर गुप्ता को किस संस्था का नया चीफ नियुक्त किया गया है? तो इन्हें NIA का नया चीफ बनाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं NIA की, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। इसका फॉर्मेशन 2009 में किया गया था, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके चीफ हाल ही में दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। रेलवे को नवीनीकरण करने के लिए किस बैंक से लोन लिया गया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है भारत में रेलवे को नवीनीकरण बनाने के लिए। दोस्तों ये लोन $245 का लिया गया है। रहने लायक शहरों की सूची में दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों दिल्ली 112वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रहने लायक शहरों की सूची में दिल्ली 112वें स्थान पर है। वहीं बात करें मुंबई की, तो मुंबई 117वें स्थान पर है। सबसे खराब शहर की बात करें तो ये दमिश्क है और सबसे अच्छा शहर वियना है और दूसरे स्थान पर ज्यूरिख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों DRDO के द्वारा वर्टिकल मिसाइल का पर सफल परीक्षण किया गया है, जैसे वर्टिकल यानी हम सीधे लॉन्च कर सकते हैं। इसका सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है यह। दोस्तों बात आई है DRDO की, तो आपको इसके बारे में बता दें, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है और चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। तो इतना आपको DRDO के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया है? तो परमेश्वरम अय्यर को हाल ही में नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। तो ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अमिताभ कांत की जगह परमेश्वरन अय्यर अब नीति आयोग के नए CEO होंगे। आपको बता दें नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कुछ और फैक्ट आपको बता दें, तो दोस्तों रॉ के चीफ सामंत गोयल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। तो जो सामंत गोयल हैं ये रॉ के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले रोनाल्डो सैन किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों रोनाल्डो सैन ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रोनाल्डो सैन ने 3 गोल्ड मेडल भारत के लिए जिताए हैं, तो ये मणिपुर से अपना संबंध रखते हैं।
आपको एक और फैक्ट बता दें दोस्तों, रोनाल्डो से एक साइकिलिस्ट हैं। बात आई है मणिपुर की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मणिपुर राज्य की भारत की मैप में। मणिपुर का भारत में विलय 15 अक्टूबर 1949 में किया गया था। राजधानी इम्फाल है। एल गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। एन बीरेन से मणिपुर के मुख्यमंत्री। राज्यसभा की एक, लोकसभा की दो सीटें हैं मणिपुर में। पक्षी की बात करें तो राज्य की पक्षी नौगीन है, मछली पेंगवा है। बात करें पेड़ की तो उन्हीं गथो यहाँ का पेड़ है। और बात करें फूल की तो सुरई लिली मणिपुर का राजकीय फूल है। हाल ही में बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल की जो लंबाई है वह 6.15 किलोमीटर है। दोस्तों इसका नाम पद्मा है और ये बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईबी का नया हेड बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में तपन कुमार डेका को आईबी का नया हेड बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बात आई है आईबी की, तो आपको इसके बारे में बता दें, आईबी का फुल फॉर्म इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है। दोस्तों इसका फॉर्मेशन 1887 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो जागृतम अरण्यसम है और इसके हेड हाल ही में तपन कुमार डेका बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की बैठक भारत के किस शहर में की जाएगी? तो दोस्तों G20 की अगले साल जो बैठक होनी है वह भारत के श्रीनगर में की जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बेदती और बराही नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बेदती और बराह नदी परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बात आइए कर्नाटक की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक की है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। 28 सीट लोकसभा की सीटें हैं, 12 राज्यसभा की सीटें हैं। गीत की बात करें तो जय भारत जननिया तनुजते ये कर्नाटक का नया गीत है। स्तनपाई की बात करें तो भारतीय हाथी राजकीय स्तनपाई है। पक्षी भारतीय रोलर है। फूल कमल है और वृक्ष लाल चंदन है कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एयरपोर्ट जो पूर्णतः हाइड्रो सोलर ऊर्जा पर चल रहा है? तो ये है दिल्ली एयरपोर्ट। भारत के दिल्ली एयरपोर्ट जो है वह पूर्णतः हाइड्रो और सोलर ऊर्जा पर चलने वाला पहला एयरपोर्ट है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता बना है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया है। 23 साल पहले कर्नाटक ने हराया था दोस्तों मध्य प्रदेश को, तब रनर अप रहा था, लेकिन 2022 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन ही गया है मध्य प्रदेश। एक और फैक्ट आपको बता दें, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 की बैठक 2022 में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों जर्मनी में G7 की बैठक का आयोजन किया गया है 2022 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जर्मनी के म्यूनिख में G7 की बैठक हुई है। दोस्तों इसमें जो G7 कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें UK, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये G7 की कंट्री हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है वाराणसी एयरपोर्ट का नाम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट ये है कि यहाँ संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट होगा और संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला यह भारत का पहला एयरपोर्ट होगा, जिसे हम वाराणसी एयरपोर्ट या लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। CBDT का नया चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों CBDT का नया चेयरमैन नितिन गुप्ता को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बात आई है CBDT की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। इसका फॉर्मेशन 1964 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में है और नितिन गुप्ता इसके चेयरमैन हाल ही में बने ही हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हमारे जो PC महालनोबिस थे इनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 2007 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। दोस्तों जो पहली
पंचवर्षीय योजना है वह पीसी महालनोबिस ने ही बनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कौन से सीएम बने हैं? तो दोस्तों एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें सीएम बने हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र के 20वें सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो दोस्तों इसमें गुजरात और कर्नाटक इन दोनों को संयुक्त रूप से स्टार्टअप रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन ए और बी गुजरात और कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। बात करें इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड की तो यह मध्य प्रदेश को दिया गया है। दोस्तों बात आई है गुजरात की, तो लोकेशन आप देख पा रहे हो गुजरात की है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 11 है। लोकसभा की 29 सीटें हैं गुजरात में। जय जय गरवी गुजरात, गुजरात का राजकीय गीत है। स्तनपाई एशियाई शेर है। ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी है गुजरात का, वहीं गेंदा फूल है। बात करें फल की तो आम और बरगद राजकीय पेड़ है गुजरात का। दोस्तों जून में जो इम्पोर्टेंट दिवस हुए उनके बारे में ही बताते हैं। तो पहला दिवस हुआ है विश्व दूध दिवस जो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व फूड सेफ्टी दिवस 7 जून को। विश्व रिफ्यूजी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और म्यूजिक दिवस भी 21 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस या इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।